तो देखो आज हम लोग पढ़ते हैं मीडियन के बारे में, ठीक है। मीडियन ऐसे सुन के ही लग रहा है, इंग्लिश को इसको तोड़ेंगे तो द मीर डाटा, द डाटा दैट इज ऑकर्ड एट द मिडिल पोजिशन, ठीक है। मतलब हम लोग इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो बीच वाला डाटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बीच वाला डाटा कहने का मतलब 2, 3, 5, 9, 18, 27 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें से बीच वाला कौन सा है, बीच वाला डाटा देखो इसमें 9 है, क्या इधर से 3 को, इधर से 3 को खत्म हो गया तो बचा 9, मतलब दिस इज आवर मीडियन, थोड़ा समझ गया ना, ठीक है। अब देखो इसमें कि मीडियम में क्या करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसको भी देखो, ये एरे का फॉर्म है। एरे कहने का मतलब या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस 29, 27, 18, 9, 5, 3, 2 अगर इम्प्लीकेट द सेम मीडियम होगा कि नहीं, फिर से वही मीडियम होगा। इट मीन्स ये एरे फॉर्म में है, मतलब हमारे पास यहाँ क्या नियम निकला रहे कर रहे मीडियम निकालने के लिए, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू एरे फॉर्म, मतलब या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा फॉर्म में करो, उसके बाद उसका बीच वाला नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। कब मीडियन बीच वाला होगा, देखो यहाँ पर नंबर ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब n इक्वल टू 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ डाटा इज एन ऑड नंबर, तो ऑड जब रहेगा तो वो बीच वाला मिल ही जाएगा, ताकि साइड साइड से छूट जाएगा, एक बीच में मिल जाएगा हमको, समझना बात। तो यहां देखो हम लोग क्या फॉर्मूला मिल रहा है, व्हेन n is odd, जब n equal to odd हुआ, देखो यहाँ पर सात, जब यहाँ पर n equal to सात था तो कौन सा नंबर वाला डाटा रे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा नंबर वाला डाटा, मतलब अगर हम इसको करें 7 + 1/2 इतना नंबर में जो डाटा आएगा दैट इज फोर्थ डाटा, फोर्थ नंबर में जो डाटा जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम लोग व्हेन n इज odd तब डाटा मीडियन इक्वल टू क्या फॉर्मूला मेरे बने करें, मीडियन इक्वल टू बन जाएगा n प्लस 1/2 इतना नंबर में जो टर्म होगा, इतना टर्म, नहीं समझ रहा बात, n प्लस 2th टर्म, n प्लस 1/2 टर्म जितना नंबर में आएगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा, ये मीडियन का फॉर्मूला। अब देखो हम लोग सीखेंगे जब n इक्वल टू इवन रहेगा, ठीक है, इवन मतलब 2 का टेबल में। तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं 5, 9, 7, 11, 2, 3, 8, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक ले लेते हैं, 10 हो जाएगा, तो 10 ही ले लेते हैं। तो व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर नंबर वन क्या था, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट चेंज दिस डाटा इनटू एरे फॉर्म दैट इज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। नाउ तो एरे फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो कौन सा सबसे पहले आएगा, बोलो रे 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा 3, उसके बाद 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक छोड़ गया 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल मिला कितना सा डाटा है, 10 डाटा है, ठीक है। तो देखो बीच वाला कैसे ढूंढेंगे, चलो इधर से चले गया तुम्हारा 4 खत्म, इधर से चले गया तुम्हारा 4 खत्म, बच गया 6 और 7। अब ये भी बीच, ये भी दो चीज कैसे पीछे सकता है, तो इसका अब जो बीच में आएगा, कहने का मतलब 6 + 7/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 13/2 इक्वल टू 6.5 6.5 इज द मीडियन। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 6 कितना नंबर था रे, इसको क्वेश्चन सब करो तो 1, 2, 3 है कि नहीं, ये सेकेंड पोजिशन, ये थर्ड पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन, ई फोर्थ, नहीं नहीं हाँ फोर्थ होगा, ई फिफ्थ, ई सिक्स, ई सेवेंथ, ई एट्थ, ई नाइन्थ और ई टेंथ। तो देखो फिफ्थ प्लस सिक्स बाई 2 हुआ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, अब हम लोग दिमाग लगाना है कि हमारे पास n इक्वालिटी कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा n इक्वालिटी कितना है, 10 है, तो 10 को कैसे 5 लाया जा सकता है, फिफ्थ n बाई 2 ऑटोमेटिक, नहीं क्या, n बाई 2 इतना नंबर का टर्म, n बाई 2 है ना, इतना टर्म प्लस उससे ठीक आगे वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n बाई 2 प्लस 1 इतना टर्म, ठीक है, होल को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, मीडियन हो जाएगा,
ये हो गया मेरा अनग्रुप डाटा का, ठीक है। सेकंड टाइप, चलो हम लोग थर्ड टाइप के बारे में देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग जब डाटा टेबल में दिया रहेगा, जब डाटा टेबल में डाटा टेबल के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसका मीनिंग समझो, वैसे तो हम लोग पहले जान रहे हैं इसका मीनिंग। 46 कितना बार आया रे? 7 बार। 48 कितना बार आया है? 5 बार। इसका मतलब ये इसका मीनिंग ये होगा कि पहले 46 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 कितना बार हो गया, फिर 48 ऐसे करके करके 48 एकदम 5 बार आया है, फिर 50 ऐसे करके, मतलब डाटा सब उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। ये मेरा मीनिंग हो गया। अब क्योंकि इसको एक टेक्निक लगाते हैं हम मतलब इसको बनाने के लिए, काम करने के लिए, इसके लिए एक नया टेक्निक हम लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सी एफ निकालना, मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी फॉर कम्युलेटिव और एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ये तो मेरा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गया, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकालते हैं, इसका मीनिंग हो गया कि 46 को काउंट करके 7 तक किया गया है, मैंने 46 था ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ 48 जो काउंटिंग होगा, ठीक है, वो कहाँ से होगा तुम्हारा, एक बार लिख लेता कि ज़्यादा समझ में आ जाए। 46 हो गया, 5 तो अब इसको काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। अब देखो इसका 48 का क्वांटिटी कहाँ तक खत्म होगा, ये तो 7 हो गया, 8 9 10 11 12, मतलब ये 12 नंबर में खत्म हो रहा है, 46 7 नंबर में खत्म हो रहा है। तो उसी तरह कहने का, अब तो 12 यहाँ पर कैसे ला सकता है, इतनों का एडिंग करके, मैंने आगे और 5 गिन देना है, मतलब ये 7 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा रे, और 5 आगे गिनेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 48 को 12 नंबर में खत्म हो रहा है उसका क्वांटिटी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, 12 + 8 = 20, मतलब 50 जो है 20 नंबर में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। 20th पोजीशन तक ही 50 है, और स्टार्टिंग 50 का कहाँ से हुआ है, 30th पोजीशन से स्टार्टिंग हुआ है और 20th पोजीशन में खत्म हो गया। अब इसका एडिंग करेगा कितना हो जाएगा रे, 32, चलो और इधर एडिंग करो कितना हो जाएगा रे, 42, इधर एडिंग करो कितना हो जाएगा रे, 44, एंड दिस ऑल टुगेदर 45, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ इक्वल टू 45, मतलब ऑल टुगेदर हाउ मेनी डेटा आर देयर, देयर आर 45 डेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मिडिल डेटा, दैट इज मीडियन, ठीक है। सिंस एन इज हियर व्हाट रे, ऑड, सो वी नो द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीडियन, व्हाट इज एन प्लस 1/2th टर्म और 2th डेटा। Now what is n here, put here n, 45, this is 45 plus 1 will be 46 and 46 divided by 2 will be 23, that is 23rd data. Ab 23rd number mein jo data aayega, that will be our median. Now see here, kaun sa 23rd mein aayega re bhaiya, ye to 12 number tak khatam ho raha hai, ye to 20 number tak khatam ho raha hai, matlab e wala hoga nahi re, 52 kahan se start ho raha hai, 21 se start ho raha hai aur 32 mein khatam ho raha hai, iska matlab 52 jo hai iska answer ho jayega, नहीं समझा, इट मीन्स मीडियन इक्वल टू कितना, 52 का, कि 52 नंबर 23rd नंबर में यही टू आएगा, ये जानता है 52 कितना आएगा, 21 से स्टार्ट होगा 32 तक जाएगा इसका क्वांटिटी, समझ रहे हो, दिस इज दैट इज मीडियन इक्वल टू 52 इज आवर